धार्मिक नगरी उज्जैन सुहाग पड़वा धूमधाम से मनाई जा रही है। शहर के मध्य में स्थित है गजलक्ष्मी मंदिर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। उज्जैन शहर के मध्य में स्थित है गजलक्ष्मी मंदिर। यहाँ पर लक्ष्मी जी ऐरावत हाथी पर विराजमान हैं। इस मंदिर का इतिहास राजा विक्रमादित्य काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि ये मंदिर की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने की थी एवं माँ लक्ष्मी का आह्वान किया था उज्जैन में विराजने के लिए। तभी से यहाँ दीपावली पर विशेष आयोजन होते हैं एवं सुहाग परिवार पर महिलाएं अखंड सुहाग की कामना करती हैं। यहाँ पर सुहाग पड़वा पर महिलाओं को वर्ष भर इकट्ठा किया हुआ सिंदूर अखंड सुहाग की कामना के लिए भेंट किया जाता है। उज्जैन से नीलेश मालवी की खास रिपोर्ट। इस मंदिर का क्या महत्व है, आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है यहाँ पर? ये माँ स्वयं गजलक्ष्मी बैठी है यहाँ पे उज्जैन अवंती का नगरी में, नगर के मध्य में। ऐसी प्रतिमा कहीं नहीं है। यहाँ पे चार दिवसीय आयोजन चल रहे हैं, धनतेरस से लेकर पड़वा तक। आज पड़वा है, सुहाग पड़वा, तो आज सुहागन माता बहनों के लिए विशेष दिन मना गया है। यहाँ पर साल भर जो सिंदूर चढ़ता है माता को अर्पण किया जाता है, वो पुजारी परिवार द्वारा एकत्रित किया जाकर आज के दिन सदा सुहागन का आशीर्वाद देकर एक सिंदूर की पुड़िया दी जाती है और माँ का 56 भोग जो लगाया जाता है माता को वो दिया जाता है। नारियाँ भरी खुश होकर यहाँ से जाती है। उज्जैन में एकमात्र ऐसा मंदिर है, इसका पुरातन महत्व क्या है? ये एकमात्र तो पूरे भारत में ही है, ये गजलक्ष्मी तो पूरे भारत में एकमात्र है जो ऐरावत हाथी पर सवार है और राजा विक्रमादित्य की राजलक्ष्मी मानी गई है। मतलब ये प्राचीन प्रतिमा है, स्कंद पुराण में वर्णित है ये मूर्ति जो सराफा में नगर के मध्य में विराजित है। जैसे उज्जैन में 84 महादेव है, ऐसे 24 महादेवों का वास है, तो 24 महादेवी में मुख्य महादेवी जो है गजलक्ष्मी का स्थान है। विक्रमादित्य राजा द्वारा इसको स्थापना की गई थी, उनके द्वारा तब साधना करके उनका आह्वान माँ लक्ष्मी को बुलाया था और उन्होंने उनको रोका था माँ को कि मेरी नगरी में वास कीजिए। वर में यही मांगा था माँ राजा विक्रम ने कि आप तो मेरी नगरी में वास सदा के लिए। वो जब से ये बातें जुड़ी हुई है। आपका शुभ नाम? राजेश गुरु। नमस्कार, मैं हूँ नीलेश मालवीय और आप देख रहे हैं इसका खबरदार न्यूज। ये आज है पड़वा, वहाँ पड़वा दीपावली के 2 दिन बाद, और आज हम आए हुए हैं यहाँ पर गजलक्ष्मी मंदिर, जो कि उज्जैन में ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में एकमात्र मंदिर है गजलक्ष्मी मंदिर, जहाँ पर लक्ष्मी माता ऐरावत हाथी के ऊपर विराजमान है। आज सुहागनी महिलाएं यहाँ पर आके पूजा करती है और अपने अखंड सुहाग की कामना करती है। काफी महिलाएं हमारे साथ है, आइए हम जानते हैं आज के दिन के महत्व के बारे में। आज के दिन का क्या महत्व है? चलो इधर से ही जाओ। आप कितने बजे से आ रहे हैं? आप कितने बजे से आ रहे हैं? आ जाओ चलो। यहाँ पर अखंड सुहाग की कामना के लिए महिलाएं यहाँ पर दूर दूर से आती है। उज्जैन ही नहीं, उज्जैन के अलावा भी देश भर से श्रद्धालु हैं और वर्ष भर आते हैं। आप देख रहे हैं उज्जैन से नीलेश मालवीय की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।